हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आज का हमारा विषय है विज्ञान में जल एवं रेशेदार भोजन का महत्व। जल का भी विशेष महत्व है और इसी प्रकार से रेशे का भी विशेष महत्व है। रेशे क्या होते हैं? ये हमारे भोजन में पाए जाते हैं या फलों में पाए जाते हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं या खाते हैं भोजन के रूप में। जो रेशे होते हैं ये हमारे लिए कोई विशेष प्रकार के पोषक तत्व नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे भोजन में होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इसके बिना हमारा भोजन आहार नाल में लंबे समय तक रुका रहता है, क्योंकि पेट साफ नहीं होता है। जो फाइबर्स होते हैं या रफेज होते हैं, ये भोजन को आसानी से आहार नाल से मल के द्वारा अवशिष्ट पदार्थों के रूप में बाहर निकालने में सहायक होते हैं। इसलिए रेशे हमारे भोजन में होना आवश्यक है। रेशे किसमें पाए जाते हैं? रेशे ये जैसे गेहूं है, बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, इन सब के भोज पदार्थों में पाया जाता है, जिसे हम चोकर कहते हैं। चोकर के रूप में होता है और हम आप क्या करते हैं देखते होंगे, छन्नी के द्वारा इसको छान करके क्या करते हैं, बाहर कर दिया जाता है। जबकि भोजन में होना इनका अति आवश्यक है। जो हमारे भोजन के पचे हुए पदार्थ को अपशिष्ट के रूप में निकालने में सहायक होते हैं, जो लंबे समय तक आहार नाल में नहीं रुकते हैं। और साथ साथ क्या होता है, अगर ये आहार नाल में लंबे समय तक रुके रहते हैं तो इसके कारण से पेट में कमी बन जाता है और मरोड़ होता है और कई प्रकार की रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं रफेज ये काम करता है। रेशे भोजन की उपस्थिति में अति आवश्यक है, यानी कि अति आवश्यक है। रेशे अर्थात रफेज फाइबरयुक्त पदार्थ होते हैं। रफेज फाइबरयुक्त पदार्थ होते हैं जो सामान्यतः चोकर युक्त, अभी क्या बताया था, चोकर युक्त आटा, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, दाल, दलिया, ताजे फल एवं सब्जियों में पाए जाते हैं। रेशे शरीर का कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं। रेशे क्या होते हैं? ये हमारे लिए कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, किंतु ये अपशिष्ट पदार्थ, यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ होता है शरीर से बाहर निकालने में होती है, इनकी कमी से आहार नाल में भोजन आवश्यकता से अधिक समय तक रुका रहता है तथा कब्ज आदि अनेक प्रकार के रोगों को जन्म देता है। यानी कि जब भोजन हमारे पेट में लंबे समय तक रुका रहेगा, इसके द्वारा हमें कई प्रकार के बीमारियां घेर लेती हैं जो बाद में दिक्कत होती है। रफेज का काम सिर्फ इतना है कि हमारे भोजन को क्या करते हैं, मल द्वारा बाहर निकालने में सहायक होते हैं। देखते हैं जल, हम आप जानते हैं जल को अमृत भी कहा जाता है, क्यों? जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। जल हमारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि भोजन के बिना तो हम एक दिन दो दिन जीवित रह सकते हैं, लेकिन जल के बिना हम एक दिन भी जीवित नहीं रह सकते हैं। जल को अमृत कहा जाता है। जल हमारे जीवन का आधार है, यानी कि आधार का मतलब है कि जल है तो हमारा जीवन है, जल नहीं है तो जीवन नहीं है। इस प्रकार से हमारी अच्छी सेहत के लिए भी जल आवश्यक है, स्वस्थ रहने के लिए भी आवश्यक है, और प्रत्येक दिन कम से कम 2-3-4 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। और पानी समय समय पर पीना चाहिए, जब हमें खाना खाते हैं तब पानी पीते हैं या प्यास लगती तब, लेकिन बीच में भी पानी पीने की आवश्यकता होती है या पीना चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। और हम जानते हैं कि जो शरीर बना होता है उसके शरीर में, यानी कि हमारे शरीर में 60-70% तक जल पाया जाता है। कितने परसेंट? 60-70% तक जल पाया जाता है, जो हमारे शरीर को सुचारू रूप से संचालित करता है, चलाता है। और 80% से ज़्यादा अधिक रोग जो होता है वो जल की कमी के कारण से हो जाते हैं, जैसे डिहाइड्रेशन हो जाता है, डायरिया हो जाता है, या दूषित जल पीने से होता है। इस प्रकार से हमें कई प्रकार की बीमारियां भी हो जाती हैं अगर पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होता शरीर में। फिर आता है यह जल की पूर्ति क्या है। कुछ फल और सब्जियां हैं जिनके खाने से पूर्ति होती है, हम
पानी पीते हैं। अब हम देखते हैं कि जल, जल हमारे जीवन का आधार है, यानी कि अभी हमने बताया कि आधार है, जल के बिना जीवन हमारा संभव नहीं है। हमारी अच्छी सेहत की कुंजी है, हमारी अच्छी सेहत की कुंजी है। सेहत की कुंजी का मतलब है कि जो जल है वो हमारे सेहत को सुचारू रूप से बनाए रखता है और हमें प्रतिदिन 2 से 3 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, आवश्यक पीना चाहिए। और शरीर में 80% से ज़्यादा रोगी की वजह शरीर में जल की कमी है, यानी कि जल में कमी हो जाती है, जल की कमी होती है शरीर में तो विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। हमारे शरीर का 60 से 70% तक भाग जल है। कुछ फल सब्जियों में जल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति कुछ सीमा तक इसी जल से होती है, यानी कुछ सीमा तक इसी जल से होती है। जल के और कौन कौन से मुख्य कार्य हैं इसे हम देखते हैं। जल के कार्य हम जानते हैं, जो पाचन होता है, पाचन के बाद शरीर से जो भोज पदार्थ होते हैं अपशिष्ट के रूप में बाहर निकालने का काम कौन करता है? जल करता है। फिर इसके बाद त्वचा के भीतर जो श्वेत ग्रंथियां, यानी कि हम आप जानते हैं पसीने के रूप में बाहर निकालने कौन सा काम करता है? जल करता है। फिर शरीर के तापमान को भी संतुलित रखता है, यानी कि जो जल होता है ये शरीर के तापमान क्या करता है? संतुलित रखता है, टेम्परेचर को बनाए रखता है। फिर इसके बाद आता है त्वचा को स्वस्थ रखने में कार्य करता है। आइए देखते हैं त्वचा के कार्य, यानी कि जल के क्या कार्य हैं। पाचन के पश्चात शेष अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से निष्कासित करना, त्वचा के भीतर के दूषित पदार्थों को पसीने के साथ बाहर निकालना, शरीर के तापमान को संतुलित करना, त्वचा को स्वस्थ बनाए रखना। इस प्रकार से हमने देखा रेशे जल एवं रेशेदार भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, इनके कमी से या इनके कारण से हमें कौन कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं इसको देखा। जैसे जल दिया हुआ है, जल को अमृत कहा जाता है और ये हमारे शरीर को आधार होता है और अच्छी सेहत के लिए जल होना आवश्यक है। आज के वीडियो में यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।